النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا कुछ शायरी तो ऐसी होती है कि जो हमारे भाई जो ये शूट कर रहे हैं इन्होंने सुनी और वाह वाह कह दिया और इनके दिल में लगी और पसंद आ गई इनको। कोई चीज ऐसी होती है इन्होंने अभी मैंने शेर अगर पढ़ा और इन्होंने कहा यार क्या बाउंसर लगाकर चलेगा हमें इकबाल इनकी बात तो समझ में ही नहीं आई। शायर जो है वो भी सोचता है जो आम आदमी नहीं सोचता। आदमी की रसाई से बहुत दूर की बात है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बिल्कुल टाइम पास का जरिया बन गया है। लेकिन काश कि उस इंसान को ये पता चलता कि भाई मेरी जिंदगी में जब बनाने वाले ने मुझे बनाया तो उसमें एक मकसद है और वो मकसद के तहत मुझे जीना है। वो मकसद के तहत जो शायरी मुझे उसके करीब ले जाए वो शायरी एक अच्छी शायरी होगी और जो शायरी मुझे उस मालिक से ही दूर ले जाए या जिंदगी के मकसद से दूर ले जाए उस चीज में मुझे अपने वक्त को जाया नहीं करना है। क्योंकि कयामत के दिन के 5 सवाल है उसमें से एक है अनुमरी फीमा अपना जिंदगी कहाँ गुजारे हो भाई। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त दानिश जावेद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ आपके फेवरेट प्रोग्राम हालात में। आज का हमारा मौजू है वाटर सेविंग यानी पानी की बचत और इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे मेहमान हैं जनाब आबिद सुरती साहब। सुरती साहब मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन मैं आपको बता दूं आबिद सुरती साहब उस अहम शख्सियत का नाम है जो मुसलसल साल हा साल से संडे को हमारी और आपकी तरह आराम नहीं करता बल्कि घर से अपने साथियों के साथ पानी बचाने के लिए डोर टू डोर एक दर से दूसरे दर पर जाता है, लोगों के नल ठीक करता है और ज़ाय होने वाली पानी की हर बूंद को बचाता है। हम उनसे बात करेंगे वाटर सेविंग पे। आइए उससे पहले हम इस्तकबाल करते हैं जैद खालिद पटेल साहब का, हमारे खास मेहमान इस्लामी स्पीकर जनाब जैद खालिद पटेल साहब आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अगले मेहमान हैं आर के पालीवाल साहब। पालीवाल साहब आपका इस्तकबाल है। मैं पालीवाल साहब से आपको मुतारिफ करा दूँ, इंट्रोड्यूस करा दूँ। पालीवाल साहब हमारे बॉम्बे के इनकम टैक्स कमिश्नर हैं लेकिन ये इनकी एकेडमिक पहचान है। इनकी असल पहचान है कि इनके सीने में एक शायर एक राइटर का दिल धड़कता है। ये मशहूर नावलिस्ट हैं, कहानीकार हैं, मकाले लिखते हैं, अखबारों में लिखते हैं, किताबें इनकी बहुत सारी छपके आ चुकी हैं और उससे भी ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट हैं। कई एनजीओ से जुड़े हैं, कई ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं जो पानी और पानी को बचाने के लिए काम करती हैं। आइए हम इतने ज़्यादा कीमती मेहमानों से इस मौजू पर बातचीत करते हैं। शुरुआत करते हैं आबिद साहब से। आबिद साहब जी, मेरा सवाल यह है, बुनियादी सवाल जो एक आम आदमी की मोटी सी अकल में आता है वो ये कि हम सुनते हैं जानते हैं पढ़ते हैं कि ज़मीन 3 हिस्सा पानी है और एक हिस्सा खुश्की है, तो जो चीज़ 3 हिस्से है उसे एक हिस्सा बचाने की कोशिश क्यों करें? पानी कितना है पहले ये तय कीजिए। पानी उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। दूसरी बात ये कि पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है तो पानी घटता जा रहा है, इस्तेमाल इतना बढ़ रहा है तो ये माना जाता है कि आने वाले चंद सालों में पानी के लिए जंग हो। आज तक जो जंग होती रही हमारे यहाँ वो या तो धन के लिए होती रही, ऑयल के लिए होती रही, एक ज़माने में नमक के लिए भी जंग हुई थी। अगली जंग जो है वो पानी के लिए है। अगली जंग पानी के लिए होगी। पालीवाल साहब आप क्या कहते हैं, ये एक हिस्सा खुश्की 3 हिस्से पानी को निगल जाएगी, ऐसा कोई वक्त आएगा? इसमें थोड़ा सा मैं एक आबिद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। 3 हिस्सा हम जो पानी कह रहे हैं वास्तव में वो 3 हिस्सा पानी का ज़्यादातर हिस्सा हमारे लिए बेकार है, क्योंकि ये 3 हिस्सा पानी का सबसे बड़ा हिस्सा खारा पानी है। इस पानी को हम पी नहीं सकते। पीने के लिए जो पानी है वो जनाब एक हिस्सा भी नहीं, वो इस 3 हिस्से का बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसको हम मीठा पानी बोलते हैं, जो हमें नदी से मिलता है, जो हमें ज़मीन के पानी से जिसको हम नल से निकालते हैं उससे मिलता है, और उसकी मात्रा इस एक सूखे हिस्से का बहुत छोटा सा हिस्सा है। यानी एक कन्फ्यूजन है नाज़रीन जी, एक भ्रम है हमारे समाज में जब हम 3 हिस्सा पानी की बात करते हैं। बहुत कीमती बात हमको पालीवाल साहब ने बताई, जब हम 3 हिस्सा पानी की बात करते हैं तो ये 3 हिस्सा वो पानी है जो हमारे पीने के काम नहीं आता, यानी हमारे लिए
زندگی نہیں ہے, لیکن یہ ہماری زندگی نہیں بن سکتا. جو پانی ہماری زندگی بن سکتا ہے وہ بہت کم ہے, وہ بہت تھوڑا ہے. اسے بچانا لازمی ہے, اسے بچانا ضروری ہے. وہ کیسے ضائع کیا جاتا ہے اور اسے کیسے بچایا جا سکتا ہے, آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم زید خالد پٹیل صاحب کے پاس چلتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والے, کائنات کے مالک اللہ رب العزت اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کی نگاہ میں پانی کیا ہے, پانی کی اہمیت کیا ہے, پانی کہاں سے آتا ہے اور پانی کیا ختم ہو سکتا ہے, یا پانی ہمیشہ باقی رہنے والی کوئی چیز ہے. زید بھائی, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میں آپ کی ایک بات سے تھوڑا ڈیفر کرنا چاہوں گا کہ وہ جو پانی جو گلوب کا 71% واٹر ہے, وہ واٹر کا اپنا بہت بڑا رول ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا بھر میں پانی ہے اس کا 97.5% پانی سالٹی ہے, صرف 2.5% واٹر ہے جو فریش ہے. یعنی کہ اگر سیویئرٹی امیجن کریں گے, یہ اتنا سیویئر معاملہ ہے کہ صرف 2.5% پانی فریش ہے, اور وہ 2.5% پانی کا 0.3% پانی ہے جو سرفیس پہ ہے. اس میں سے بہت بڑا طبقہ ہے جو گلیشیئرز میں لاکڈ ہے اور باقی گراؤنڈ واٹر ہے, لیکن سرفیس واٹر صرف 0.3% ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 0.3% ہے یہ ہمارے سروائیول کا حصہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو انسانوں کا بنانے والا, ہم سب کا مالک ایک ہی ہے, ہم سب اسی کے بنائے ہوئے کریشنز ہیں, سب کے اندر ایک ہی خون ہے اور سب کو ایک ہی پانی پینا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پانی بنانے والے مالک کی پلاننگ بھی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اکثر حصہ پانی کا 97.5% پانی تو سالٹی ہے, اور سالٹ بھی اتنا سیویئر کہ بیچ میں ایک ریسرچ جو نیوز پیپرز میں آئی تھی, اس میں آیا کہ اگر سارا کے سارا سالٹ جو سمندروں میں سے نکال کر کے زمین پر پھیلا دیا جائے تو اتنا 500 میٹر سے زیادہ, یعنی 40 ماڑے کی بلڈنگ سے زیادہ سالٹ کا پورا کے پورا لیئر پورا زمین پہ آ جائے گا, اتنا سالٹ ہے اس میں. اب یہ جو سالٹی واٹر ہے, اس سالٹی واٹر کا ایک بہت بڑا رول ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انوائرنمنٹ میں جو بیلنس مینٹین رکھنے کے لیے اتنا پانی تو ریکوائرڈ تھا, اب ہمیں پینے کے لیے فریش پانی چاہیے. ایک ایسے میکینزم کی ضرورت تھی جو میکینزم اس سالٹی واٹر کو فریش میں کنورٹ کر کے ہمیں سپلائی کر دیں, اور وہ میکینزم بھی اوپر والے نے رکھا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی بھاپ بن کے جب اوپر جاتا ہے اور بارش بن کے جب برستا ہے تو فریش پانی برستا ہے, یعنی کہ ہمیں جو پانی چاہیے وہ پانی ہوتا ہے, واٹر سائیکل. تو جتنا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے سمندروں میں سے اتنا ہی پانی جا کر کے برس بھی جاتا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو سب ایویپوریٹ ہو کر اگر باہر نکل جاتا ہے یونیورس میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سمندر سرٹن ٹائم کے اندر سوکھ جاتے. یہ اس کا پریزرویشن ہے, واٹر کا پریزرویشن ہے کہ ہمارے پاس ایک ایٹموسفیئر ہے, وہ پانی کو باہر جانے سے روک دیتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر 60 جگہوں پر پانی کا ذکر ہے, واٹر سائیکل کا پورا ڈسکرپشن کئی جگہوں پر ہے, کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے پانی جو بھاپ بن کے اوپر جاتے ہیں اور بادلوں میں سے برستے ہیں, جو اس زمانے کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے ایک بہت ہی ایسی انفارمیشن تھی جو تب کے زمانے کے لوگ جانتے نہیں تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کے بارے میں تو قرآن میں یہ کہا گیا, سورہ انبیاء کی آیت ہے سورہ 21 آیت نمبر 30, کہ وجعلنا من الماء کل شیء ہے افلا یؤمنون, میں نے پانی سے ساری زندہ چیزوں کو بنایا, کیا تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری زندہ چیزیں, اس کے اندر ساری چیزوں کے اندر جو بیسک بنیادی سبسٹنس ہے وہ سیل ہے, اور سیل کے اندر 60-80% پانی ہوتا ہے, واٹر ہوتا ہے. جو سائٹوپلازم جو سیل کا بیسک کمپوننٹ ہے اس میں 60-80% واٹر ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں بنانے والا تو جانتا ہی ہے. اب یہ جو سالٹی واٹر ہے 97.5%, وہ اگر فریش ہوتا تو شاید وہ پرزرو بھی نہیں رہ پاتا. اس کے پرزرو رہ پانے کے لیے, تاکہ ہم اسے استعمال کریں, وہ پانی وہیں سے آ رہا ہے, ہمارے بارش کا پانی, وہ سمندروں میں سے بھی جو بھاپ بن کے آ رہا ہے, وہ ایویپوریٹ ہو کے آ رہا ہے, وہ ہمارے سپلائی کا انتظام کیا گیا ہے. اور وہ پانی بھی سڑ جاتا, لیکن اس کا بھی انتظام ہے کہ جو چاند ہے اور چاند کی وجہ سے جو ٹائڈز ہوتی ہے, ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ, اور جو موجیں چلتی ہواؤں کی وجہ سے ویوز, یہ ہائی ٹائڈ اور لو ٹائڈ کی وجہ سے وہ پانی سڑتا نہیں, نہیں تو یہ پانی اگر پڑا یہ بھی سڑ جاتا اور وہ بھی انیوزبل ہو جاتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پرزرویشن, جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے واٹر پرزرویشن, واٹر پریزرویشن میں اوپر والے نے بہت سارے سسٹمز رکھے ہیں, لیکن یہاں پہ فساد کرنے والا انسان بھی ہے جو انسان جا کر بہت ساری چیزیں خراب کر دیتا ہے. چلیے آئیے اس پہ بات کرتے ہیں اور پالیوال صاحب سے شروع کرتے ہیں. پالیوال صاحب, یہ جو قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے واٹر پریزرویشن کا, جس میں ہم واٹر کو پریزرو کرتے ہیں, اس کو یہ ہم انسان کیسے خراب کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم اس کو اگر موٹا موٹا دیکھیں تو مجھے لگتا ہے ہم 3 طرح سے اس کو بہت خراب کر رہے ہیں. جو قدرت نے, اللہ تعالیٰ کہو, بھگوان کہو, گوڈ کہو, انہوں نے جو ہم کو یہ بادلوں سے بارش کے روپ میں بالکل پیور پانی دیا ہے, لیکن اس پیور پانی کو ہمارے چھوٹے چھوٹے جھرنے, چھوٹے چھوٹے نالے, بڑی بڑی ندیاں بناتے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو گندگی یا ملاوٹ ہم لوگ کر رہے ہیں
वो अपने खेतों में जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, कीटनाशक, जब ये पानी छोटे छोटे नालों से, छोटे छोटे खेतों से बारिश का पानी इकट्ठा होता है, उसमें साथ साथ छोटे छोटे कीटनाशक वो भी मिल जाते हैं। और जब इस पानी को हम लोग पीते हैं या जानवर पीते हैं, पक्षी पीते हैं, वो बीमार होते हैं। तो पहली मिलावट तो हमने ये कीटनाशकों के प्रयोग से किया है। फिर जब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, जब भी ये नदी या नाले या झरने किसी छोटे या बड़े शहर के आसपास से गुजरते हैं, उसमें दुनिया भर का मल मूत्र का कचरा हम लोग सीवेज जिसको कहते हैं वो डालते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुदरत ने इंतजाम बहुत अच्छे किए, लेकिन हम लोगों ने उनको ख़राब किया। मैं अगर इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करूं, हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि जो नदियां हैं जिसमें ये बारिश का पवित्र पानी इकट्ठा होके सबको मिल रहा है, या झील है, तालाब है, उसमें पेशाब मत कीजिए। देखिए, हम व्यक्ति के रूप में वहाँ नहीं करते पेशाब, लेकिन पूरे शहर का मलमूत्र इकट्ठा करके एक बार में डाल देते हैं, इस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, सोचते नहीं। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा, हमने उस शुद्ध पानी को जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने एक बिल्कुल हमें पवित्र फॉर्म में दिया है, प्योरेस्ट फॉर्म में दिया है, उसको हमने खराब कर लिया, और सबने मिलके कर लिया, सारे शहर वाले बराबर के जिम्मेदार हैं। सोचते नहीं, उधर ध्यान ही नहीं, ध्यान ही नहीं है, वो ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, वो भी दुनिया भर का रासायनिक कचरा निकालते हैं, और चुपके से जैसे हमने शहर में सीवेज डाल दिया, वो भी उसको बिना प्योर किए हुए, उस कचरे की सफाई किए बिना, वो भी इसी पानी के सबसे बड़े स्रोत जो नदियां हैं, बड़ी झीलें हैं, इन्हीं में चुपके से वो भी छोड़ देते हैं। तो तीन तरह से हमने इस पानी को प्रदूषित किया है, जो हमारे जीवन का सबसे जरूरी तत्व है। दो ही तत्व सबसे जरूरी कहे गए हैं, और हमारी आम भाषा में, हिंदी उर्दू जबान में, उसको जलवायु कहा गया है। अब आप देखिए, जलवायु में भी जल पहले आया है, क्योंकि जीवन सारा जल से ही उत्पन्न हुआ है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए जल सबसे जरूरी है, और उसके साथ वायु चाहिए। तो जब हम जल पे बात करेंगे, तो हमें पूरी जलवायु को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, बात करनी होगी। नाजरीन, हमें पालीवाल साहब ने बताया कि हम कुदरत के इस वाटर क्लीनिंग सिस्टम को तीन तरह से पोल्यूट करते हैं। एक हमारा खेत खलियानों का पेस्टिसाइड कचरा, एक हमारा सोशल कचरा, और एक हमारा इंडस्ट्रियल कचरा, जो हम अपने नदी नालों और झरनों में शामिल करके उसे पोल्यूट कर देते हैं, और एंड यूज़र तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत ज़्यादा और इंतहाई पोल्यूटेड हो जाता है, नुकसानदेह हो जाता है। आइए हम आबिद साहब के पास चलते हैं, और आबिद साहब से सोशल कचरे पे बात करते हैं, क्योंकि आप मुसलसल, आबिद साहब, सोशल लाइफ में वाटर सेविंग पे काम कर रहे हैं, आपने अपने आपको डिवोट किया हुआ है। और नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि आपका काम इतना ज़्यादा है कि मुख्तलिफ रिसालों में, नेशनली एंड इंटरनेशनली, आबिद सुरती साहब की संस्था और ख़ुद उनकी खिदमात का भरपूर तआवुन किया गया है, तारुफ किया गया है, तारीफ़ें की गई हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना, आप बताएंगे सच क्या है, कि आपने जितना काम किया है और जिस लगन से काम किया है, तो आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने को है। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये खबर कहाँ तक सच्ची है? पहली बार सुन रहा हूँ। मुझे बताई गई, किसी ने बताया मुझे? नहीं, मुझे पता नहीं। खुदा करे, अगर अगर खबर सच्ची भी नहीं है, तो नाजरीन आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि खबर सच्ची हो जाए। ये आदमी वाकई ऐसे ऐसे अवार्ड का हकदार है। नाजरीन, गुफ्तगू दिलचस्प भी है और इन्फॉर्मेटिव भी, इसलिए छोड़ के जाने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन ब्रेक हमारी मजबूरी है। आप कहीं जाइएगा मत, हम अभी वापस लौटते हैं। आतंकवाद का विरोध, शेख अरशद बशीर मदनी के साथ, हर इतवार रात 8 बजे, सिर्फ iPlus TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। iPlus TV पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। नाजरीन, मैं आपका दोस्त दानिश जावेद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं ब्रेक के बाद। आइए पानी और पानी को बचाने की गुफ्तगू का यह सिलसिला आगे बढ़ाएं।
तो आबिद सोटी साहब से हम बात करते हैं। आबिद साहब, आप समाज के बहुत ज्यादा करीब हैं और समाज के करीब रह के वाटर सेविंग के प्रोग्राम चला रहे हैं, हर आदमी को, बड़े को, बूढ़े को, बच्चे को, जवान को अहमियत समझा रहे हैं पानी की। मैं चाहता हूं आप हमारे नाज़रीन को समझाएं और हमें बताएं कि हमारा समाज वो कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करता है जिनसे पानी वेस्ट होता है या खराब होता है या पॉल्यूटेड होता है। कई रास्ते ऐसे हैं जहाँ से पानी निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे मसलन अगर हम नल को ज़रूरत हो तब खोलें, ज़रूरत हो तब बंद करें, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, हमारी बाइयाँ जो होती घर में काम करने आती हैं, वो आएगी तो पूरा नल खोल के छोड़ देगी, पानी बहता चला जाएगा। बाइयों को ट्रेन करना ज़रूरी है। कई होटलों में टब्स, बड़े बड़े टब होते नहाने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले शुरुआत की, अपनी होटलों से सारे टब निकाल दिए, क्योंकि टब में इतना पानी ज़ाया होता है। उसी तरह नहाने में हमें जितनी ज़रूरत है तो एक बकेट की या दो बकेट की, लेकिन हम फ्लैश शुरू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर कहीं से पानी निकालेंगे, शावर चलवा दिया, ये कर दिया, तो मतलब ये भी वेस्टेज जा रहा है। तो मेरा कहना ये कि छोटी छोटी जो बातें जो है, और जो मैंने जो पिकअप की है बात जो मुझे छू रही थी, वो नल से पानी टपकना, तो मुझे पता चला कि एक सेकंड में एक बूंद पानी टपकता है तो एक महीने में 1,000 लीटर पानी गटर में बह जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप, 1,000 लीटर, यानी कि यूं सोचो कि 1,000 किसी पानी की ड्रिंक की बॉटल कोई गटर में बहा रहा हो, ये फीलिंग मुझे आई और मैंने ये काम शुरू कर दिया कि यहाँ से शुरुआत करो। मैं आपको रोक रहा हूँ एक मिनट, ये पैगाम दे दो नाज़रीन को, देखिए कितनी अहम बात है। मेरा भी ध्यान नहीं था और मुझे यकीन है हम सब में से किसी का ध्यान नहीं होगा। आबिद सुरती साहब ने कितनी अहम इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि हमारे घरों के जो नल होते हैं, किचन का नल, वॉश बेसन का नल या बाथरूम टॉयलेट का नल, वॉशरूम का नल, उनसे टपकने वाला एक सेकेंड में एक बूंद पानी महीने के आखिर में 1,000 लीटर पानी का नुकसान करता है। और 1,000 लीटर पानी आप यकीन कीजिए कि एक घर को अच्छा खासी सेहत और अच्छा खासा रिसोर्स दे सकता है। आइए हम इसी मौके पे, मैंने गुफ्तगू इसलिए रोकी, इसी मौके पे ये तहिया करें कि अपने अपने घरों में अपने अपने तमाम टेप्स को देखें कि कहीं पानी टपक रहा है तो उसे बंद कर दें। और आबिद सुरती जब आपके दरवाजे पे आके घंटी बजाएं तो आप मुस्कुरा के उन्हें ये कहें कि आबिद साहब आपका पैगाम हम तक पहुँच गया और देखिए तमाम नल हमारे परफेक्ट हैं, एक बूंद पानी नहीं टपक। आइए, तो ये छोटी सी बात। दूसरा इसमें मैसेज मेरा ये है कि जो सीनियर सिटीजन घर में बैठे हैं और बैठकर या तो क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को, या सरकार हाथ में नहीं आई तो बीवी बच्चों पर हल्ला बोल देंगे, तो ये टाइम जो जाया कर रहे और सारी नेगेटिविटी फैला रहे हैं माहौल में, जो नेगेटिविटी, तो इसको तोड़ना है। ये मेरा जो मकसद जो जो अलग अलग है, तो इसको तोड़ने के लिए इन लोगों से मैं कहता हूँ कि आप पॉजिटिव काम करो, कुछ भी करो। अगर सरकार के कोई कुछ लोग पैसे खा गए हैं तो आपने एक पोस्ट कार्ड लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ गवर्नमेंट, एक पोस्ट कार्ड अगर सारे मतलब भारत की जो प्रजा है उसमें से 10% लोग भी एक एक पोस्ट कार्ड लिखे तो गवर्नमेंट ही उलट जाए। आबिद भाई, मुझे आपके साथ लगता है एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा और एक ऐसे सोशल अभियान पे, सोशल जागरूकता पे करना पड़ेगा। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं हम तो ये सारी बातें मुझे खल रही थी। एक यानी एक बूंद पानी मिला के 1,000 लीटर जाया हो जाता है। अब मेरे दिमाग में फौरन आपकी इस गुफ्तगू से बात आई कि कितने सारे हमारे बुजुर्ग जाया हो रहे हैं घर बैठे हुए नेगेटिविटी के साथ। बिल्कुल, यही मुझे एक फायदा इसमें ये होता है कि मैं घर घर जो जाता हूँ और वहाँ जिन सीनियर सिटीजन को, मैं सीनियर नहीं हूँ ये मान के चलो, तो उन लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई आप बाहर निकलिए, काम कीजिए, उसके बाद में क्रिटिसाइज करो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। जब आप मैं खुद काम करेंगे तो एक पॉजिटिविटी अंदर आएगी, लेकिन आज तक एक सीनियर सिटीजन बाहर नहीं निकला। अच्छा ये बताइए कि आपके इस अभियान में जब डोर टू डोर जाते हैं, कभी ऐसा भी इत्तफाक हुआ कि आपकी मुखालफत हुई हो? 100 में से एक शख्स ऐसा मिल जाता है जिसको ये समझ में ही नहीं आता कि ये बंदा मुफ्त में क्यों कर रहा है। कुछ ठीक करने कैसा प्लम्बर है, मुफ्त में आया तो नॉर्मली तो बड़ा स्वागत होता है, वेलकम करते हैं लोग, कहते हैं भाई आप आए हो तो आप चाय पी कर जाइए, कोई कहता है आप खाना खा कर जाइए, लंच का टाइम है, तो बड़ा अच्छा लगता है। जो प्यार मिलता है तो प्योर है, उसमें हमारा जो कॉस्टिंग जो है, एक नल ठीक करने में कुछ 25 पैसे का कॉस्टिंग आता है, क्योंकि वॉशर जो होता है अंदर
वो खराब हो जाता है। और ये लोग जो ऑफर करते हैं कि भाई हमारे घर खाना खाकर जाइए, तो मैं रहता हूँ, मेरे साथ मेरा प्लम्बर रहता है और एक वॉलंटियर रहती है। मैं चाहता हूँ उनका भी नाम बताएं आप, यहाँ खिदमत के काम करने वालों के नाम जाने चाहिए लोगों तक। एक का नाम है रियाज अहमद, जो कई साल से हमारे साथ है, और एक महिला है, लेडी है, तेजल शाह, ये मेरी टीम है। रियाज अहमद साहब और तेजल शाह साहिबा, हम अपने नाजरीन की तरफ से और उन तमाम लोगों की तरफ से जिनके दरवाजों पे आप गए और आपने फ्री ऑफ कॉस्ट उनके नलों को ठीक किया और उन्हें वाटर सेविंग की तालीम दी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा पूरा चैनल और पूरा स्टाफ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही काम करते रहिए और आपको देख के और लोग भी ऐसे काम करें। जैद भाई के पास आता हूँ, बहुत अच्छी बात अभी आबिद साहब ने कही और ये कहा कि लोग नहाने में, ब्रश करने में पानी ज़ाया करते हैं, इस्लाम किस तरह से सेव कराता है पानी? जी, हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने ये सिखाया है कि पानी एक अमानत है, अल्लाह की दीवी अमानत। और जैसे कहावत है ना, माले मुफ्त दिले बेरहम, तो वैसा मामला नहीं है कि बस कुछ भी मामला नहीं है, नहीं, ये एक अमानत है और साथ साथ में ये एक नेमत भी है और हमें इस चीज के ताल्लुक से पूछा भी जाएगा। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक ऐसी जिंदगी जी कर उन्होंने बताया कि जो खुद एक मिसाल है। मिसाल के तौर पर वुजू, जो हर नमाज से पहले वुजू करना इस्लाम का हिस्सा है, नमाज से पहले वुजू करना, आफ्टर ऑल हदीस है तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी और सफाई ईमान का हिस्सा है। तो हम देखते हैं ईमान का हिस्सा सिर्फ थियोरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी होता है, सफाई भी ईमान का हिस्सा है, सफाई में हर लेवल आ जाता है। वुजू का हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेजर मिलता है एक मुद, जो तकरीबन पौने लीटर के बराबर है, और अगर कोई इंसान नल खोल कर वुजू करेगा तो बहुत सारा पानी उसका वेस्ट और जाया हो जाएगा, आधी बकेट जी तकरीबन। लेकिन अगर वो एक वेसल में लेकर करे, या मान लीजिए जैसे कई प्रेस टाइप के टैप आते हैं जो दबाव ऑन होगा उतना पानी ले लिए, मतलब ये कई सारे सिस्टम्स हो सकते हैं पानी बचाने के लिए, ताकि हम उसके थोड़े तो करीब जाएं, कहां एक मुद और कहां जो आज एक इंसान बहुत सारा जाया कर देता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि गुसल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सा इज इक्वल टू फोर मुद, तो यानी तकरीबन उतने पानी में फुल गुसल किया करते थे। और हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को पूरी तरह से इस्तेमाल करते थे। अब हम आज के जमाने में देखें तो बहुत सारे लोग जो इसके अंदर वेस्ट करते हैं, और पानी अगर घर में नहीं है तो समझते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, हालांकि ये देखें कि अगर पानी कम हो तो एक इंसान कम में एडजस्ट कर लेता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो बताते हैं कि एक पर्टिकुलर सड़क है बॉम्बे में जिसके एक साइड पर दिन भर पानी आ रहा है और एक साइड पर सिर्फ थोड़ा पानी है, उनको पानी कहीं से ला ला के इस्तेमाल करना होता है। तो ये साइड वाले इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि पूरा भाई कोई फिक्र ही नहीं है, पानी इस्तेमाल करते रहो, बहता रहे, और वहां वाले बहुत संभाल के इस्तेमाल करते हैं क्योंकि थोड़ा होता है। तो हम देखते हैं कि ये एक साइकोलॉजी है, एक इंसान बहुत सारे मेजर्स अपना सकता है लेकिन उसकी सोच क्या है, तो पहले सोच को सॉल्व करना होगा, उसकी सोच में उसे एक एहसास दिल में लाना होगा कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया को बनाया, दुनिया में कई चीजें हमारे लिए रखी है, ये हवा रखी है, ये पानी रखा है अल्लाह ताला ने, और ये एक अमानत है और हमें एक जिम्मेदार बनाया है, हम यहाँ पे जिम्मेदार के हैसियत से दुनिया में, और हम जो इस्तेमाल करते हैं या जो जाया करते हैं इस चीज के ताल्लुक से एक दिन हमें जवाब देना है अल्लाह ताला को कि तुमने क्या चीज का क्या इस्तेमाल किया। तो अगर ये साइकोलॉजी जहन में आ जाए तो नल ड्रिप हो रहा है तो एक इंसान उसकी तरफ ध्यान देगा, या काम वाली बाई है जो ऑन करके रखी है तो उसको जाके एजुकेट करना है, समझाना कि भाई इसके अंदर हो सकता है कि बिल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा हो, क्योंकि अक्सर जगहों पर हमारा वाटर का बिल का बहुत ज्यादा मसला इंडिया में नहीं होता है, जो कई गल्फ कंट्रीज में जनरली बिल भी बढ़ जाता है, तो वो लोगों को पे भी करना पड़ता है तो थोड़ा ज्यादा पिंच करता है। लेकिन यहाँ जब ये नहीं होता है तो लोग उसकी अहमियत को नहीं समझते कई बार, तो वो नल में से पानी जाया ना हो, या मान लीजिए जैसे बाथटब से लेकर या शावर आदमी ऑन करके रिलैक्स कर रहा है, भाई रिलैक्स करने के दूसरे तरीके हैं, यहाँ पे आपको जवाब देना होगा इस पानी के ताल्लुक से, नदी पे जाइए, समंदर पे जाइए, या आप ये देखिए कि कैसे हम सब कंजर्व कर सकते हैं। बहुत सारे मेजर्स है, एक इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकता है, कलेक्टिवली अगर पूरी बिल्डिंग या सोसाइटी या एक कॉलोनी या कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर मिलकर कुछ करने आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं वो लोग भी, लेकिन पहले सोच के बारे में बात है कि क्या वो सोचते हैं इस चीज के ताल्लुक से, क्या वो सोचते हैं, क्या हम सोचते हैं। मैं पालीवाल साहब आपकी तरफ आता हूँ, आपने कहा जलवायु, क्या हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तानी समाज में जलवायु को लेके कोई जिम्मेदारी का एहसास है? मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को एहसास है आज की तारीख में। जरा डिटेल में बात करते हैं इसमें। अब हमारे साथ बैठे हैं आबिद सुरती जी, इनको इतना एहसास है इसके बारे में कि ये केवल खुद के लिए ही उसको अमल नहीं कर रहे हैं कि पानी को बचाया जाए जो अमानत है और बड़ी सीमित मात्रा में है। हम सब जानते हैं कि पानी का भंडार जैसे तेल का भंडार है उस तरह से ये भी सीमित है, खासतौर से धरती के अंदर जो पानी है। ये बहुत से लोगों को लगता है कि धरती के अंदर
इतना पानी है कि उसको कितना ही हम निकाल लें ट्यूबवेल से पंप से, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आपने सुना होगा अक्सर आता है कि हरियाणा में या पंजाब में पहले कुछ इलाकों में 20 फीट के नीचे पानी था। हाँ, ये मैं टोक रहा हूँ आपको बीच में, ये मैंने अक्सर सुना और देखा है कि वाटर लेवल नीचे भी जाता है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ऊपर भी जाता है। हाँ, नीचे तब जाता है जब प्रकृति हमको, कुदरत हमको एक फिक्स मात्रा में पानी दे रही है बारिश के रूप में। ये पानी थोड़ा थोड़ा जमीन के अंदर जाके इकट्ठा होता रहता है। अब जितना पानी एक साल की बारिश में इकट्ठा हुआ है जमीन के नीचे, अगर उससे ज़्यादा हम निकाल लेंगे तो वाटर टेबल नीचे चली जाएगी। हमें कई बार ये समाचार सुनने को मिलता है कि अमुक प्रदेश में वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया। उसका सीधा सा मतलब यही निकालना है कि जितना पानी हमको कुदरत दे रही है उससे कहीं ज़्यादा हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमने बहुत बार सुना और देखा भी है, हम उस इलाके के रहने वाले हैं कि जहाँ आसपास नदी है नॉर्थ इंडिया में, तो हमने अक्सर ये देखा है कि वाटर लेवल नीचे भी चला जाता है लेकिन ऊपर भी आता है। नहीं, ऊपर आजकल बहुत कम जगह आ रहा है। जहाँ के लोगों ने कुछ ऐसे वाटर कंजर्वेशन के प्रोग्राम किए हैं जिससे उस इलाके में या तो बारिश की मात्रा बढ़ी है या जितना बारिश हुई है उससे कम उन्होंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, बारिश के होने से इसका ताल्लुक है, बारिश ज्यादा होगी तो वाटर लेवल ऊपर आएगा। जी जी, और अगर बारिश कम होगी तो वाटर लेवल नीचे जाएगा। क्योंकि हम जमीन का पानी तो लगातार निकाल रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी अलग निकाल रही है, किसान अलग निकाल रहा है, हाउस होल्ड के लिए छोटे छोटे नल घर घर में लगे हैं तो वो भी सब पानी निकाल रहे हैं। तो ये लगातार हमको जब तक ये एहसास नहीं होगा हर किसान को, हर नागरिक को, हर उद्योगपति को कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही पानी निकालें और वो ज़रूरत जितना कुदरत हमको पानी दे रहा है उससे कम हमारी ज़रूरत रहेगी, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा पाएंगे। अदरवाइज यही होगा कि हम तो मौज मस्ती से अपना जीवन गुजार लेंगे लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो हमको बहुत गालियाँ देंगी कि जैसे आपकी पीढ़ियों ने आपके लिए अच्छा पानी छोड़ा था, उस तरह का अच्छा पानी, ज़्यादा पानी आपने हमारे लिए नहीं छोड़ा। अच्छा, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है पटवाल साहब कि हमारा किसान, हमारा एग्रीकल्चर पे काम करने वाले लोग जिस खेत से पानी निकालते हैं उसी खेत में बहा देते, गया कहाँ? नहीं, ये हमारी गलतफहमी है क्योंकि खेत में जो हम पानी दे रहे हैं, क्योंकि खेत में सतह के ऊपर हम पानी दे रहे हैं, वहाँ से बहुत सारा पानी की करीब 80% मात्रा भाप बन के ऊपर उड़ जाती है, वाटर साइकिल में आ जाता है। तो नीचे से तो आपने पानी निकाल लिया, ऊपर से उतना गया नहीं। नीचे तो बहुत थोड़ा सा गया जड़ों के आसपास, बाकी तो भाप बन के उड़ गया वहाँ से। इंसान की ज़रूरत कितनी है? तो 4 बकेट, 1 बकेट नहाने के लिए, 1 बकेट कपड़े धोने के लिए, 1 बकेट घर साफ करने के लिए, 1 बकेट खाना पकाने के लिए। तो हमारी ज़रूरत जो है बहुत सीमित है, लेकिन हम ऐसी दरिया दिल्ली से सारा दरिया ही बहा देते हैं। दिल्ली में था मैं तो एक साहब एक गोली लेकर आए थे टैबलेट, वो कैसा भी गंदा पानी हो उसमें आप वो टैबलेट डालिए तो पानी एकदम से शुद्ध पीने जैसा, जैसा हमारे पास यहाँ है बिल्कुल वैसा हो जाता था। मीठे पानी और पेड़ का बिल्कुल चोली दामन जैसा रिश्ता है। जहाँ ज्यादा पेड़ होंगे वहाँ ज्यादा बारिश आती है क्योंकि बादलों को पेड़ ही आकर्षित करते हैं। सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम में भी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि थमे हुए पानी में उन्होंने मना किया कि उसमें यूरिनेट मत करो और उसमें से फिर गुसल नहीं करो। तो हम देखते हैं कि गुसल करना पड़ेगा इस वजह से यूरिनेट मत करो। कई स्कॉलर्स जैसे इमाम नवी वगैरह ने इस चीज के ताल्लुक से बताया कि पानी में यूरिनेट करने से ही मना किया गया।